ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने ट्रक ड्राइवरों को सम्मान देने के लिए हाईवे हीरो कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाई। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हाईवे हीरोज ये नाम है उस अभियान का जो राष्ट्रीय स्तर की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एटवा ने देशव्यापी स्तर पर ट्रक ड्राइवरों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए शुरू किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर लॉन्च की गई इस स्कीम का शुभारंभ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इस मौके पर नितिन गडकरी ने कहा कि दिन रात कड़ी मेहनत के बावजूद ट्रक ड्राइवरों को वो सम्मान नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। ड्राइवर और कर्मचारी जो काम करे उनके इंटरेस्ट में है और पब्लिक के इंटरेस्ट में है, और इसलिए इस सेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन करना ये हम सब का काम है। सरकार पॉजिटिव है, सपोर्ट कर रही है, आपके मदद से ये और गतिशीलता मिलेगी। मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामना और शुभेच्छाएं देता हूँ ताकि आने वाले समय में आप सब सहयोग से इस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने में हम लोग कामयाब होंगे। इस स्कीम के तहत ड्राइवरों को एक विशेष कार्ड मिलेगा जिससे वो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से सीधे जुड़ जाएंगे। तो सरकार की आयुष्मान भारत योजना जो है उसमें जो क्वालिफाइंग ड्राइवर्स होंगे उनकी सर्च करके उन्हें भी साथ साथ में हम वो बेनिफिट दिलाएं, जो 5 लाख रुपए की फ्री मेडिक्लेम पॉलिसी है, कैशलेस है, वो उसको दिलाएं। उसके अलावा हम एक कॉल सेंटर बना रहे हैं जहां पर 24/7 365 डेज कोई भी ड्राइवर किसी भी कष्ट के समय फ़ोन कर सकता है। पूरे देश में हाईवेज़ के ऊपर में इस तरह के मैसेज फैलाना चाहते हैं जिससे रास्ते में उन्हें कोई तंग ना करे। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने देश भर के 35,000 ट्रक ड्राइवरों के साथ इस स्कीम की शुरुआत की है जिससे ट्रक ड्राइवरों को सम्मान के साथ साथ उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा भी मिल सके। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी।